उधारी ना देने पर दबंग प्रधान ने दुकानदार को जमकर पीटा। अमेठी के शुक्ल बाजार थाना अंतर्गत सथिन चौराहे पर चाय व ठंडे की दुकान कर रहे विजय गुप्ता को वहीं के ग्राम प्रधान गुड्डू व उसके भाई सोराब अपने समर्थकों के साथ दुकानदार विजय गुप्ता व उसकी पत्नी को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। विजय व उनकी पत्नी जब थाने पर पहुंची तब तक उनके दोनों बेटों को बंदूक के कुंडों से मार मार कर गिरा दिया। वहीं ग्रामीणों की मदद से दोनों बेटों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुक्ल बाजार लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी होते ही थाना अध्यक्ष ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। क्या नाम है? विजय कुमार गुप्ता। क्या मामला है? हमको गुड्डू प्रधान ने उधार मांगा, सामान नहीं दिया, हमको बहुत मारा, बोतल के पेप्सी से हमारी दुकान बहा दिया और मेरे हम भाग के आए थाने, हमारे लड़कों को बंदूक कुंदे से और बल्ली पटली से बहुत मारा, मेरी पूरी दुकान फोड़ दिया, तोड़ दिया, सब ऐसे पड़ी है सचिन चौराहे पे। उधारी ना देने की वजह से मारा? मैंने उधार नहीं दिया, इनकार कर दिया तो मारा उन्हें। कहाँ? 8-10 लोग हैं वो। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ था? पैसे की लड़ाई हुई थी, वो उधार लेके गए थे कल जी, तो पैसे मांग रहे थे हमारे भाई लोग जी। आज उधार लेने आए तो भाई बोला पहले पैसे दे तो फिर देंगे बाद में जी, तो कह रहे हम पैसा नहीं देंगे, चार दो नहीं मारेंगे। तो भाई बोला हम नहीं देंगे, पहले पहले वाला पैसा दो फिर देंगे, तो उसके भाई को मार दिए थे। मम्मी पापा घर गए थे, मम्मी पापा घर से आए, मम्मी पापा को मार दिए। किस चीज से मारे हैं? बल्ली और पेप्सी की बोतल से बंदूक लिए थे। बंदूक लिए थे जी? कौन कौन थे? सोहरा गुड्डू। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? सचिन। और आप? दिसंबर कट्टी। प्रधान और सोहरा मेरा पहले से खाए हुए थे दुकान में, उन्हें उधार मांगने आए, हमने नहीं दिया और वो बदमाश आदमी है, पहले के गुंडा एक उनके ऊपर अभी लगा हुआ, उन्हें हमको घिर्रा के मारा, हमने चले आए थाने, फिर मेरे लड़के दो बच्चे उनको मारा, बंदूक निकाले उनको मारने जा रहे थे, उस बंदूक से नहीं मारा, उसके बाद उन्होंने उसी बंदूक की नली से, कट्टे की नली से उसको मारा बहुत। थाने में एफआईआर आपने दर्ज करवाया? थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया।